आज की बड़ी खबर, और आज की बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं उस विषय की जिसका सीधा सरोकार आम इंसान से है, क्योंकि इस वक्त मुंबई में सेंट्रल लाइन ठप है। मुद्दा है, रेलवे एप्रेंटिस ने लोकल ट्रेन रोक दी है। हाहाकार मचा हुआ है इस वक्त, और इस पर हमारी निगाह लगातार बनी हुई है। देखिए, ये वो वक्त है जब लोग अपने दफ्तर जाते हैं। ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी तकलीफ हो रही होगी। यही वजह है कि आज की बड़ी खबर इस मुद्दे पर हमारी निगाह लगातार बनी हुई है। मुंबई लोकल रुकी हुई है, सेंट्रल लाइन छात्र पटरी पर है। पुलिस के खिलाफ पुलिस जो है वो इस विरोध प्रदर्शन को रोकने में जुटी हुई है, और मुंबईकर परेशान है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र और राज्य सरकार का एक और सिरदर्द का सबब। और इस वक्त ग्राउंड जीरो यानी कि वहां पर क्या हो रहा है, मृत्युंजय की रिपोर्ट देखते हैं। सेंट्रल रेलवे लाइन के माटुंगा रेलवे स्टेशन के नजदीक छात्रों के प्रदर्शन के बाद मुंबई में रेलवे व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मुंबई के सेंट्रल रेलवे लाइन पर पूरी तरह से गाड़ियां ठप पड़ी हुई है, जस के तस लोग फंसे हुए हैं। मैं इस वक्त सेंट्रल रेलवे लाइन के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर हूँ, और घाटकोपर रेलवे स्टेशन की आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये लोकल ट्रेन पिछले करीब एक घंटे से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है, और यात्रियों को कोई सूचना नहीं है कि यह ट्रेन कब CST की दिशा में रवाना होगी। यही तस्वीर दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल रही है, जो CST की तरफ या कल्याण की तरफ ट्रेनें जाती हैं, वहाँ पर भी सूचना नहीं दी जा रही है कि आखिरकार यह ट्रेन रवाना कब होगी। यात्रियों को जानकारी है कि कोई छात्रों ने हंगामा किया हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेन सेवा बाधित हुई है, और उसका सीधा असर आज मुंबई के जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां ओला और उबेर की टैक्सियां स्ट्राइक पर हैं, वहीं पर आज रेलवे सुबह से ही खास सेंट्रल रेलवे लाइन पर प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से इसकी खासी दिक्कत, खासा असर आम लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है। मुंबईकरों को परेशान होना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन की देख रहे हैं, जहां पर जस के तस जो यात्री हैं वो काम पर निकले थे, लेकिन कोई सूचना नहीं मिल रही है। सभी की निगाहें लगातार इंडिकेटर पर हैं, जहां से उन्हें सूचना मिल सके और फिर वो अपने दफ्तर की तरफ, अपने काम की तरफ बढ़ सके। हालांकि कोई सूचना नहीं मिलने की वजह से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मुंबई में आज कामकाज का दिन होने के बावजूद यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को इंतज़ार है कि रेलवे की तरफ से कोई सूचना दी जाएगी, जिसके बाद जो लोग हैं वो अपने कामों की तरफ बढ़ सकेंगे। मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई। और हम आपको बता दें, हड़ताली छात्रों के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित मौजूद हैं। आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। हमारे साथ आंदोलनकारी छात्रों के नेता भरत परदेशी मौजूद हैं। 3 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, जब मध्य रेल की मुंबई की लोकल ट्रेनें जो है पूरी तरह से ठप हो गई हैं। आउट स्टेशन से जो आने वाली ट्रेनें हैं, बाहर गांव जाने वाली ट्रेनें हैं, वे तमाम ट्रेनें भी ठप हो गई हैं। हमारे साथ में आंदोलनकारियों के नेता भरत परदेशी मौजूद हैं। भरत जी, सबसे पहले तो ये बताइए मोटे मोटे तौर पर कि आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं। सर, सबसे पहले तो मैं मुंबईकरों वालों से माफी मांगता हूँ कि हमें भी ये शौक नहीं है करने का, लेकिन सरकार ने मजबूर कर दिया हमें ऐसा करने के लिए, स्टेप उठाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमारे जितने भी लड़के इस 20% को लेके जो सरकार ने नियम निकाला है, 20% उस नियम को, जिस दिन से वो नियम निकाला है उस दिन से हमारे कई साथियों ने डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर दी है। 20% का नियम क्या है, ये जरा बताएंगे। सर, 20% का ऐसा नियम है, पहले तो ऐसा होता था कि जीएम पावर में ये मंडल के जीएम अंतर्गत जो भर्ती होती थी सर, उसी तरह से सब लड़कों का समायोजन कराया जाता था, लेकिन अभी 20% आया है। उस दिन से सर ऑलरेडी हम आज है, सब लड़के एग्जाम दे चुके हैं, आज है पास आउट के होने के बाद में कोरोना काल में बोल रहा है, रेल नगर रेल प्रशासन प्रशासन में बोल रहा है कि इन लड़कों ने फिर से एग्जाम देना चाहिए। एक आगे जाए सर, हम ऑलरेडी दो साल तीन साल ट्रेनिंग करके पास आउट हो चुके हैं, फिर भी भागदौड़ करो। आज हमारी ओवर एज होते जा रही सर। कितने साल आपने अप्रेंटिसशिप की है? सर, हमने 1 साल अप्रेंटिस किए, किसी ने 2 साल किए, किसी ने 3 साल किए सर हमारा। और सर, मैं एक माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम में से। सर, RRC से ये जब लड़के आते हैं तो इनके ऊपर सरकार करोड़ों रुपए खर्चा करती है, जबकि हम जो स्किल लोग हैं, डबल स्किल होने के बाद भी आज हम रोजगार घर पे है सर, हमें
रोजगार देना चाहिए। हम हमारे लड़के जब रेलवे में समाज होते हैं हर बारीकी से काम, बस हमारा पूरा पूरा टोटल नॉलेज, हमें पूरा टोटल नॉलेज है। और हमारे लड़के जब रेलवे में आते हैं तो करोड़ों रुपए का सरकार को मुनाफा होता है। सर ये बताइए, रेलवे की तरफ से अभी कुछ बातचीत के लिए प्रस्ताव आया, कुछ आश्वासन दिया रेलवे ने? सीपीओ साहब आए हैं, डीआरएम साहब आके गए, लेखी देने का आश्वासन दिया है उन्होंने। हमें वादा किया उन्होंने आपसे? हम आश्वासन देते हैं, बोले कि 20% रद्द किया जाए, लेखी में राइटिंग में बोला है उन्होंने कि 20% रद्द किया जाए और वन टाइम सेटलमेंट में। ये बताइए कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज भी आपके आंदोलन को समर्थन दे रही है? मैंने शिवसेना अच्छा, ये बताइए कि क्या आंदोलन का ये तरीका कितना सही है, लोगों को कितनी तकलीफ हुई आपने पी कार के वक्त में ये आंदोलन किया? सर 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 हम माफी मांगते हैं लोगों से, क्योंकि हमें भी शौक नहीं सर ऐसा करने का, लेकिन हम परेशान हो चुके हैं। हमारे घर के देखो, हम सब गरीब घर से, ये नौकरी, ये जो रेलवे अप्रेंटिस को ये नौकरी से दूसरा कोई परिवार नहीं। क्या अब आंदोलन आप वापस लेंगे रेलवे की तरफ से? आपको बोला आश्वासन, हमारी डिमांड पूरी हुई है सर, हमारी डिमांड पूरी हो गई तो हम आंदोलन वापस लेंगे, नहीं तो वरना ना लेंगे। और इससे आगे अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं है, इससे तीव्र आंदोलन करेंगे, नहीं तो हम आत्महत्या कर देंगे। तो आपने सुना कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा भरत परदेशी जो आंदोलनकारियों के नेता हैं उन्होंने हमें बताया। कैमरामैन नारायण परमार के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज मुंबई। और हम आपको बता दें इस मुद्दे पर मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से मेरे साथ शहनवाज हुसैन हैं और कांग्रेस की तरफ से मीम अफजल, और यहां स्टूडियो में मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान राजकिशोर और कंचन गुप्ता। शहनवाज हुसैन, पहला सवाल आपसे, जो 20% का जो बैरियर है ये पीयूष गोयल साहब जब रेल मंत्री हैं तब तय किया गया। पहले क्या होता था, तमाम रेलवे अप्रेंटिस को एब्जॉर्ब कर दिया जाता था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सवाल ये, जब पूरे देश में नौकरियों को लेकर मोदी सरकार घिर रही है, ये जो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है, क्या आपके लिए बड़े सिरदर्द का सबब नहीं है? नहीं, रेलवे के अंदर ये सही है कि जो अप्रेंटिस हैं, जो आईटीआई करके जाते हैं, उनको ये अपेक्षा रहती है कि यहीं पर ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, लेकिन उनके लिए भी पूरा चांस है और जो अप्रेंटिस हैं उनको भी मौका मिला जाएगा, उनके लिए पहले से भी सुविधाएं मिलती रही हैं। तो वहाँ के लोकल अधिकारी बातचीत करेंगे, मैं अभी पूरी जानकारी मुझे नहीं है कि किस वजह से आंदोलित हैं छात्र। अभी अचानक आपके टेलीविजन पर अन्य विषय के लिए बैठा था तब ये पता लगा, लेकिन जरूर इस इशू को एड्रेस किया जाएगा। बिल्कुल शहनवाज भाई, मैं उस बात को समझता हूं, क्योंकि ये मुद्दा हम चर्चा कुछ और करने वाले थे मगर ये मुद्दा बड़ा सामने उभर कर आ गया है, क्योंकि आज की बड़ी खबर उन खबरों पर फोकस करता है जिसका सीधा सरोकार आम इंसान के साथ है। जितेंद्र दीक्षित इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं क्योंकि सेंट्रल लाइन पूरी तरह से बाधित है। जितेंद्र, क्या खबर मिल रही है आपको? देखिए, जो ताज़ा जानकारी है, अब से कुछ पलों पहले करीब 4 घंटे तक सेंट्रल रेलवे बंद रहने के बाद अभी अभी पटरियों को क्लियर कराया गया है और एक लोकल ट्रेन अभी मेरे सामने से गुजरी है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है देवगिरी एक्सप्रेस, वो अब मूव हो रही है दादर स्टेशन की तरफ। तो आंदोलनकारियों को समझाने में यहाँ पर रेल प्रशासन कामयाब रहा है और अब ये आंदोलन जो है एक तरह से कह सकते हैं कि खत्म हो गया है। छात्र धीरे धीरे पटरियां खाली कर रहे हैं, हालांकि अभी तक दो ही ट्रेनें गुजरी हैं और इसकी वजह से जो पूरी तरह से सेंट्रल रेलवे का नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ था उसको रिकवर होने में कई घंटों का समय लगेगा। ये पूरा पीक आवर था, सुबह 7 बजे के पहले से ही आंदोलन शुरू हो गया था और इस वक्त अब से कुछ पलों पहले ही अभी अभी अब से 1-1.5 मिनट पहले ही ये आंदोलन खत्म हुआ है। शुक्रिया, शुक्रिया आपका जितेंद्र दीक्षित। वो आंदोलन खत्म हो गया है मगर यही नहीं, आंदोलन खत्म भी हो गया और एक रेलवे ट्रैक खोल दिया गया। और MZ स्वामीनाथन जो कि चीफ रेलवे ऑफिसर हैं, इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बातचीत कर रहा हूं जी, मैंने उनको साफ साफ बता दिया, हम लोग दिल्ली, ये ऑल इंडिया मामला है, ये बॉम्बे का मामला नहीं है। एक्ट अपेंडिस का भर्ती करना ऑल इंडिया पॉलिसी इश्यू है जी। दिल्ली से रेलवे बोर्ड से बातचीत करने के लिए मैं उधर से परमिशन ले लिया, कल और परसों जब उनका टाइम मिलेगा वो दिल्ली आ सकते हैं, उधर
उनका प्रॉब्लम वी कैन बी डिस्कस्ड। सर क्या क्या मांगे हैं उनकी? वो उनका मांग है एक्ट अप्रेंटिस को डायरेक्टली वैकेंसी में भर्ती कर देना, वही उनका मांग है। और 20% को लेकर ये बोले कि उसको भी खत्म कर देना चाहिए? उन लोग बोल रहे हैं 20% खत्म कर दो, सभी वैकेंसी हमारे पास हम लोग को दे दो, वही उनका मांग है। लेकिन रूल क्या कहता है? रूल तो ये ऑल इंडिया ग्रुप डी गवर्नमेंट का जो कुछ वैकेंसीज है दैट हैज टू बी फिल्ड बाय व्हाट यू कॉल ओपन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। लेकिन सर दे आर सेइंग दैट कि वो लोग रिटर्न में चाहते हैं, एक रिटर्न चाहेंगे तभी वहां से हटेंगे। मैं हम रिटर्न में देने को भी तैयार है, मीटिंग करने के लिए हम तैयार है, उस तक मैं रिटर्न में दे सकता हूँ, पॉलिसी अश्योरेंस मैं नहीं दे सकता हूँ। जैसे इतने घंटे हो गए इसको सॉल्यूशन क्या निकला सेंट्रल? हम तो सॉल्यूशन के लिए आप देखिए ना। तो आंदोलन खत्म हो गया है, तस्वीरें उसकी बांध गई, आप देख सकते हैं कि अब सेंट्रल लाइन धीरे धीरे से ट्रैक पर चल रही है। पुलिस ने एक तरह से घेरेबंदी कर ली है ट्रैक की, ताकि प्रदर्शनकारी जो है वहां पर प्रवेश ना करें। तो आम मुंबईकर के लिए राहत की खबर, और यह खबर सबसे पहले आज की बड़ी खबर पर ब्रेक होते हुए, 4 घंटे बाद एक ट्रैक खोल दिया गया है, तस्वीरें आपके सामने, आम मुंबईकर के लिए राहत की खबर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।